बहुत अच्छा है, जाके लोग खाए। साफ सुथरा भोजन है, गरम गरम भोजन है। एक बार चुस्ता मिलेगा ना, ये देखिए। अब देखिए ये कलेजी है। अच्छा। कलेजी पूरा मंगाते हैं, इसको पीस पीस काट के हम लोग देते हैं। देखिए ये साज हो गया कलेजी का। अच्छा, 100 किलो मटन करीब बनता था, इधर ठंडी मार खा गया। अच्छा, 100 केजी मटन बनाते थे जी। ये फिलहाल इधर हम लोग का मटन बन के हो चुका है रेडी। ये देखिए, देखने में काफी गजब का लग रहा है। ये देखिए, ये जा रहा है अब हम लोग के काउंटर पे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए से वीडियो में। दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग फिर से पहुंच चुके हैं पटना, और पटना में जिस जगह पर है वो जगह तो पुराना पर एक्सपीरियंस आपको नया मिलेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग खड़े हैं सचिवालय के पास। ये 13 नंबर गेट है और उसके सामने आपको मिलेगा ये सिंह जी का होटल। नाम तो काफ़ी पुराना है लेकिन आज आपको एक्सपीरियंस कुछ अलग मिलेगा, क्योंकि आज आप देखेंगे क्या सभी मटन में डालते जो यहाँ पर इस लाइन में इनका मटन इतना फेमस है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इधर देखिए, हमारा मटन बनने का प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो गया। एकदम प्याज को धो लेते ना चावल। अच्छा, अभी कितना प्याज काटिएगा? 30 केजी प्याज को कटिंग कीजिएगा। तो फिलहाल अभी इधर क्या कीजिएगा भैया? मीट का मसाला बनाया भैया जी। अच्छा, मीट का मसाला। वैसे मटन उधर चढ़ा दिए ना? जी, मटन चढ़ा दिए हैं। सही, कितना तेल का यूज किया अभी? 2 किलो इसमें डाले, 2 किलो इसमें, 20 किलो आज बन रहा है, कम है। तो चलिए, इतना सारा लहसुन आ गया ना जी। अच्छा, इसको अभी कूट रहे थे खोल मूसल में, वही है ना? जी वही है। ये कितना है ये लहसुन आपका? 3 किलो। 3 केजी पूरा नहीं डालते हैं? पूरा डालेंगे, ज़्यादा हो गया मछली के लिए रखेंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा मछली के लिए, मसाला के लिए, मुर्गा बनेगा। अच्छा, इसको कितना देर तक मिलाते हैं? ये भुजाएगा आधा घंटा तक। आधा घंटा बस? ये तीन चीज नहीं, अभी हल्दी मिर्चा धनिया जीरा गोल सब तुरंत बहुत सामान अभी डलाएगा। ये हो गया बड़ी इलायची जी, ये गरम मसाला जितना, छोटी इलायची, जाफर, जावित्री, जो है गरम मसाला का आइटम सारा है इसमें। ये सबको कूट लेते हैं ना? कूट देते हैं। चलिए डाल दीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए इधर देखिए, इधर हम लोग आ गए मटन। तो चलिए इधर जो हम लोग का चुस्ता बॉईल के लिए, बॉईल किया हुआ था ना? हाँ, बॉईल किया। अच्छा, अभी प्याज गला रहे हैं या मटन सिझा रहे हैं? मटन सिझ रहा है, प्याज भी गला है, दोनों काम हो रहा है। अच्छा, दोनों काम हो रहा है। हाँ, मसाला बना के डालेंगे, 10 मिनट में उतर जाएगा। अच्छा, इसमें क्या क्या भैया? इसमें लरी है, चुस्ता, चर्बी है, भोरी है, यही सब। अच्छा, प्याज थोड़ा कम बना रहे हैं क्या? जी अभी कम बना रहे हैं, ठंडी का समय, इलेक्शन है अभी, इधर रूटीन कम है, अभी इलेक्शन लेकर मार खा रहे हैं दुकानदार। अच्छा, ऐसा है ना? हाँ। अच्छा, पटना का इलेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है? नहीं, 28 तारीख का इलेक्शन है। मतलब आपका चूल्हा एकदम कोयला वाला है? कोयला वाला। गैस का यूज नहीं करते हैं? करते हैं समय समय पर, अब जैसे कोयला ये है तो कोयला पर बनता है, उसका टेस्ट अलग होता है भैया। अच्छा, उसका टेस्ट अलग होता है। अच्छा, हल्का सा प्याज का भी यूज करते हैं ना भैया? प्याज पूरा इसमें डला गया, तो इसमें हल्के डालते हैं। उसमें कितना प्याज का यूज किए थे? 20 किलो डला गया उसमें। तो चलिए फिलहाल इधर आपका हल्दी आ गया जी, हल्दी आ गया। चलिए इधर आपका हल्दी आ गया, कितना डालते हैं अंदाज से? क्या अंदाजे से डाल लेते हैं, 500 ग्राम डलाया होगा अंदाजे से। अच्छा, एक बार में मसाला नहीं यूज़ करते, पहले मिला लेते हैं? वैसे मसाला वैसे रह जाएगा, वो तो बुझाना चाहिए भैया। हल्का सा पानी का यूज़ कर लेते हैं ताकि जले ना? जले नहीं, पानी भरते रहेगा, गर्म पानी है, मसाला डालते रहेंगे। ये कौन सा मसाला हो गया भैया? जीरा पाउडर है। जीरा पाउडर, ये भी अंदाज से 500 ग्राम? सब अंदाजे डलाता है, तोल के डालेंगे तो होवे नहीं करे। अच्छा, हाँ, या तो कम भी या जैसी होता है। अच्छा, ये हो गया आपका गोल्की पाउडर। ये हो गया गोल्की पाउडर। अच्छा, ये जो आपका डिब्बा है कितना दिन, एक दिन में तो खत्म हो जाता होगा, 2 दिन में? एक दिन बहुत है भैया। हाँ, एक दिन बहुत है। 100 किलो मटन करीब बनता था, इधर ठंडी मार खा गया। अच्छा, 100 केजी मटन बनाते थे जी? वाह, 3 हंडा में बनता था। क्या बोले? 3 डेक्ची में बनता था। 3 डेक्ची में? हाँ, चढ़ ले रहता था क्या तीनों? तीनों एगो तरह फिर एगो चढ़ाते थे, 3 बार बनाते थे। बुध के 60 किलो बनेगा। बुध को 60 केजी जी। फिर संडे के भी आपको बढ़िया दुकानदारी है, संडे के 50 किलो 60 किलो उस दिन भी बिकने। अच्छा, 50-60 केजी उस दिन भी सेलिंग रहता है आपका। ये आ गया आपका मिर्चा पूरा, मिर्चा तीखा के लिए ना जी। अच्छा, ये आपका जो मटन रहता है वो ज़्यादा लोग ग्रेवी खोजता है या नॉर्मल मटन खोजता है? ग्रेवी मटन दोनों खोजता है भैया। आप रहिएगा ना, बनाइएगा, देखिएगा, आप खुद ही देख लीजिएगा। जी जी, एक होता है ना कि पानी डाल के पूरा लबालब कर देता है, वैसा नहीं रहता, नॉर्मल पानी डालते हैं। ऐसा लगा आपको
गढ़ागरे भी रहेगा ऐसा। अच्छा एकदम गढ़ागरे भी रहेगा, यही तो चाहिए मटन में। अच्छा ये क्या डाल रहे हो अभी? धनिया पाउडर है। धनिया पाउडर। डिस्कनेक्टेड। पूरा मटन तैयार करने में कितना घंटा लगा देते होंगे? एक घंटा पकड़ लेता। एक घंटा बस? 20 के जी मटन एक घंटा बना देते हैं? वाह 50-100 किलो बन जाएगा एक घंटा में। हाँ चल रहा है, एक घंटा ज़्यादा निकलेगा। अच्छा अच्छा मटन का सेलिंग आपका कितना देर में ख़त्म हो जाता होगा? 9:30 बजे से स्टार्ट होगा, 3 बजे हार्डली चलेगा। अच्छा 3-4 बजे हार्डली चलेगा। मतलब एक एक मिनट वेट करके सारा मसाला डाल देते हैं ना भैया? जब तक नहीं उतरेगा भैया जब तक इसमें मसाला डलते रहेगा। हाँ जब तक नहीं उतरेगा तब डालते रहते हैं। वाह अब इसको उतारेंगे उस समय डालेंगे गरम मसाला, मीट मसाला, कस्तूरी मेथी। ये आ गया आपका लाल करने के लिए ना? कश्मीरी मिर्च है लाल करने के लिए जी। जैसे अंदीना मसाला इसी में तैयार होता है सब, तो पूरा फूल रहता होगा। रेडी हो गया क्या भैया? वाह अच्छा उसमें क्या रेडी हो रहा है? मुर्गा। जैसे अंकल आप मुर्गा यहाँ रेडी कर रहे हैं ना? आया 2 किलो। आप यहाँ 2 किलो आएगा? जैसे यहाँ के ओनर आप ही हुए ना? हाँ। सुबह सुबह क्या क्या रेडी कर लेते हैं बनाकर? 9 बजे सब रेडी हो जाता है, मटन मछली बटेर चिकन। अच्छा बटेर भी बनाते हैं? हाँ। ये मटन सब का आपका प्राइस क्या हो जाता है? 150 रुपये प्लेट है। 150 रुपये प्लेट। हाँ मटन चावल सलाद नींबू। अच्छा ये आपका मुर्गा? मुर्गा 120 रुपये है। 120 रुपये। तो चलिए फाइनली अब हम लोग के ग्रेवी में चला गया आपका मसाला ना भैया? जी भैया मसाला जा रहा है मटन में। ये पूरा डाल दीजिएगा? पूरा डाल लें। अच्छा मटन कितना सीज गया होगा आपका? करीब 90% सीज गया, 10% बचा होगा। 90% सीज भी गया? वाह देख रहे बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस हो रहा है एकदम अच्छा से बनने का। टेस्ट में लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं करते ना भैया? कोई गड़बड़ी एकदम टाइम पे मटन बना के रेडी कर लेते हैं। एकदम 9:30 बजने वाला है आपका? 9:30 बजे रेडी हो जाएगा टोटल सामान। अच्छा ये स्लॉट खत्म हुआ तभी दोबारा नहीं बनाइएगा? नहीं भैया। अच्छा इसका आपके चुस्ता का प्राइस क्या रहता है? साइज के ऊपर रहता है, 150-200 जैसा साइज वैसा दाम, 250। अच्छा पीस वाइज करके देते हैं क्या? जी नहीं समूचा मिलता है। समूचा लेगा जो भी लेगा? समूचा लेगा। समूचा लेगा। वैसे अभी क्या डाले भैया? आधी आधी डाले जी। लहसुन नहीं यूज करते हैं? लहसुन तो आपको सामने डाले हूँ भैया 3 किलो, देख रहे हैं 4 डाले उसी समय डाले थे। अच्छा जी धुआं की वजह से कुछ दिखिए नहीं रहा अभी, दिखेगा दिन में। अच्छा आधी थोड़ा सा ही यूज करते होंगे वैसे? अच्छा नाम का हल्का यूज कर। हाँ अच्छा वैसे इधर निकाल लिया मटन आपका? इतना मटन निकाल लिया? चेक कर रहे हैं क्या? चेक कर। तो चलिए यहाँ देखिए इस तरह सिझा हुआ है कि नहीं? सिझ गया। सिझ गया? वाह वैसे चेक करने के लिए तो एक ही मटन सही है अभी? इतनी के सही है क्या बोले माल? लेकिन है ना तीन माल बनाते हैं, एक कैसे चेक कर लें? अच्छा तीन माल बनाते हैं, तीन जो खस्सी कटवाते हैं। अच्छा तीन माल वाला उसी लेके थोड़ी ना, एक वो है ऐसे जो चेक कर लिया हो गया। सही बात है। अच्छा। कितना खस्सी कटवाए होंगे 20 केजी के लिए? 3 खस्सी। ये आगे आपका रान का पीस ना? हो जी रान का पीस। वैसे ये सब आपका तेल हो गया ना भैया? जी तेल, तेल कहते हैं। अच्छा कितना क्वांटिटी में है ये सब? 1.5-2 किलो होगा। अच्छा 1.5-2 किलो आपका तेल है बस? बस। वाह बाकी तो जो डलाना था लहरी उरी डलाइए गया भरी उरी ये सब तो आपका कंपलसरी होगा? मटन में एक पीस डाल देते होंगे जो खाता होगा? हाँ एक पीस ये एक पीस लहरी डालेंगे। अच्छा अच्छा आपके मटन का पीस जो रहता है कितना ग्राम का रहता है? 100 ग्राम। 100 ग्राम का आपका मटन का पीस रहता है। यहाँ पे जो बटेर से बनाते हैं उसका क्या प्राइस रहता है? उसका भी 150 रुपये चावल के साथ। अच्छा तो चलिए फिलहाल इधर डाल दिए जो पीस वाइस किए थे तेल ना? जी। अब तो मटन आपका रेडी हो गया होगा? जी अब उतारवे करें। अब उतारवे कीजिए ना। वैसे देखिए मटन का जो रंगत है ना बहुत उभर के आ रहा है, लेकिन जो इनका जो भाप है जिसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा, ये देखिए चुस्ता सब क्या ऊपर में तैर रहा है। ओहो हो जैसे इधर कुकर में मटन को निकाल लेते भैया ऐसा कहें? ये भैया किसी को देना भी है। अच्छा ये पार्सल का है क्या? जी 20 किलो रहेगा, बाकी 10 किलो ही में देना है वो इतने का। अच्छा टोटल 30 केजी मटन है, 20 केजी हम ग्राहक के लिए, 10 केजी पार्सल निकल रहा है। ये फिलहाल इधर हम लोग का मटन बन के हो चुका है रेडी। ये देखिए देखने में काफ़ी गजब का लग रहा है। ये देखिए ये जा रहा है अब हम लोग के काउंटर पर। चलिए
चलिए इधर आ गया हम लोग का मटन तसला पूरा भरा हुआ, यहाँ के हम लोग के काउंटर पे। अच्छा ये गरम मसाला डाल दिया, काउंटर पे आने के बाद डालते हैं ना भैया टेस्ट के लिए। ये क्या आ गया भैया आपका कसूरी मेथी, ये पूरा पैकेट डाल दीजिएगा। वैसे यही आपका काउंटर हुआ, यहीं से मटन सेलिंग होता है ना। वैसे फिलहाल इधर देखिए हम लोग का मटन बन के हो चुका है रेडी। ये देखिए पूरा तसला भरा हुआ लग रहा है, एक तरह से कुआं है, कुआं में हम लोग का मटन देखिए पूरा लबालब। तो वैसे ये देखिए सिंह जी का ये जो मटन है वैसे तो काफ़ी फेमस था, लेकिन आज का जो रेसिपी देखिए कुछ यूनिक तरह से हमको देखने को भी मिला, क्योंकि हम कभी रेसिपी देखे नहीं थे। चलिए तो ढक दीजिएगा, ढक दीजिए। इधर आपका हांडी खुल गया ना पूरा मटन का, देखिए चुस्ता है भैया। अच्छा ये आ गया आपका चुस्ता। जी भैया चुस्ता का यहाँ पे सबसे ज्यादा डिमांड रहता है। अच्छा चुस्ता हो गया, कलेजी हो गया, इस सब का सबसे ज्यादा डिमांड आपका चुस्ता और कलेजी का रहता है। चुस्ता कलेजी का रहता है। अच्छा। यहाँ पे जैसे कि 1 बजे के बाद आपको चुस्ता मिलवो नहीं करेगा भैया, 1 बजे चुस्ता मिलेगा ना। ये देखिए कलेजी है, कलेजी पूरा मंगाते हैं, इसको पीस पीस काट के हम लोग देते हैं। देखिए ये साइज हो गया कलेजी का। अच्छा काट के देते हैं कि छोटा किन्नी को ना मिले। अच्छा 2 कलेजी तब तो सर। अच्छा और भी है जी, बहुत इसमें थान है, जैसे पूरे मंगाते हैं, देख पूरे मंगाते हैं, इसको पीस से पीस काट के अब तब देते हैं कस्टमर को, छोटा ना मिले किन्नी को। 60 रुपये पीस है, और छोटा दे देंगे तो समझ रहे 60 रुपये में ऐसा देते ना, कस्टमर को घाटा लगे ना हम लोग घाटा लगे। ये आपका चुस्ता ये सब साइज वाइज प्राइस होगा? जी जी साइज पर रहता है। हाँ, ये सब 200 का है। अच्छा 200 का एक है ना। जी छोटा रहता है तो 150 हो गया। हाँ, जैसा साइज के ऊपर है। देखिए ये हो गया 170 रुपया का, जैसा साइज रहा वैसा दाम रहा। ये पूरा गोटा ही लेगा? हाँ गोटा ही, काट के नहीं देते। कोई कोई बोले तो इसको पीस पीस बना के उसके बाद फ्राई करके उसके बाद देते हैं। जैसे एक प्लेट लगाते उसमें क्या क्या ऐड करते हैं एक बार? उसमें 2 पीस मटन रहता है, 2 पीस मांगिए। जैसे एक ये हो गया जी, ये चाप हो गया, देखिए नली हो गया, नली का बहुत ज्यादा डिमांड रहता है। जी नली आपको जल्दी आपको मिलवो नहीं करेगा 12-1 बजे के बाद। अच्छा 12-1 बजे, वैसे अभी 11 बज गया, 1 घंटा में सब खत्म भी हो जाएगा। जी भैया नली और ये जो तक नली वो ज्यादा डिमांड होता है, ज्यादातर आदमी नली खोजते हैं। अच्छा आपके दुकान में नली का पीस होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। आप इसमें हाथ लगाइए देखिए तुरंत टूट जाएगा, ऐसा पीस होता है नली का। वैसे अगर आपके पास यहाँ कोई आना चाहिए उसका परफेक्ट लोकेशन क्या रहता है? यहाँ का ये हो गया विधानसभा पोस्ट ऑफिस 13 नंबर गेट, मैंगलेस रोड है, सरदार पटेल मार्ग। अच्छा विधानसभा पोस्ट ऑफिस 13 नंबर गेट है, सामने गेट है उससे ठीक सामने होटल है। 13 नंबर गेट है जी भैया, सामने आपको दुकान मिल जाएगा। जी जी देखिए यही सब नली हो गया, देखिए नली की जितना सॉफ्ट होता है इसे तोड़िएगा थोड़ा टूट जाएगा। देखिए बहुत सॉफ्ट होता है, टूट जाएगा। जैसे ये आपका प्लेट हुआ इसमें कुछ ऐड करते होंगे तेल? जी हाँ इसमें 2 पीस से मटन हो गया। हाँ। इसमें चर्बी दे दिए, चर्बी दे दिए, ढूंढना पड़ता आपको? जी भैया ढूंढना पड़ता है। देखिए लहरी हो गया, अभी लहसुन डाल देते ठंडी के मौसम में, तो भाई लहसुन मांग दिए उसको लहसुन भी दे देते हैं ठंडी में। जी वैसे जब तक ठंडी रहता थोड़ा आपका दुकान बंद ही चलता जी, है ना? जी 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 गर्मी आते के साथ पूरा नहीं ठंडी में चलता, लेकिन ठंडी में तो दिन छोटा करता है इसके लिए। अच्छा। ऐसे गर्मी तो भैया 70-80 किलो, लेकिन ठंडी में 50 किलो 60 किलो ऐसे रहता है, 60 किलो तक। जी ठंडी में दिन छोटा करता है इसके लिए, नहीं तो ठंडी भी 80-90 किलो बिक जाएगा। हाँ अभी बोल भी रहे थे 100 केजी तक मटन बिकता। जी जी 100 किलो तक मटन बिकता है भैया। तो चलिएगा यहाँ सर भी बहुत मज़े से बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है सर? ना बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अभी क्या लिए हुए हैं? सब्जी है, दाल है, भुंजिया है, सारा खाना खाना है। हाँ हाँ रोटी है जी। तो यहाँ पे नॉन वेज खाते हैं? मटन चिकन मनोज चिकन हम नहीं खाते हैं। अच्छा मतलब वेजिटेरियन है आप? सादा। तो कैसा लगा टेस्ट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर यहाँ पे कोई आना चाहेगा तो उसके लिए कोई संदेश? बहुत अच्छा है, जाके लोग खाए, साफ सुथरा भोजन है, गरम गरम भोजन है। तो चलिए इधर देखिए भैया लोग भी मटन अपना इंजॉय कर रहे हैं बैठ करके। तो कैसा लग रहा है भैया मटन? बहुत बढ़िया। तो कहाँ से आ रहे हैं आप लोग खाने? हम लोग 70 फीट साइड से। यहाँ से दूर है? हाँ मतलब वही 3-4 किलोमीटर के आसपास। अच्छा मटन खाने के लिए ही निकले थे या कुछ और काम? नहीं मटन खाने के लिए ही निकले थे। अच्छा मटन के लिए ही निकले थे। हाँ यहाँ पे लगभग वीक में 2-3 दिन आना ही आना। अच्छा
आप लोग साथ में ही हैं? हाँ, हम लोग सब साथ में। सब मटन ही लिया है? हाँ, सब मटन, वो चिकन लिया। आप चिकन लिया है? तो चलिए फाइनली गाइज, हम लोग का भी सिंह जी का मटन जो है ना बन के हो चुका है तैयार। जैसा कि आपको शुरू में भी बताया, जगह पुराना है पर एक्सपीरियंस नया है। तो चलिए ये देखिए, ये आ गया हम लोग का मटन। देखिए मटन की रंगत की बात करें तो ये देखिए क्या उभर के रोगन साइड साइड से आया हुआ है। और ये आ गया इनका एक तेल, और ये सब आ गया इनका कॉम्बिनेशन है। देखिए मटन काफ़ी बढ़िया से सजा हुआ है मटन इनका। देखिए तो चलिए साथ में हम लोग लिए रोटी, करते हैं टेस्ट कैसा रहता है इनके मटन, आज हम लोग जानेंगे। ये गया वाइट, ये आ गया मटन का रोगन, करते हैं टेस्ट। काफ़ी बेहतरीन गए, उतना इनका नाम सुने थे उतना ही इनका मटन का आज टेस्ट देख लिया, क्या गजब का है, काफ़ी बेहतरीन सा टेस्ट है। ग्रेवी ग्रेवी बहुत ही अच्छा है, थोड़ा तीखा है लेकिन तीखा तो मज़ा भी आता है खाने में। चलिए इनके मटन को ट्राई करते हैं। देखिए आ गया मटन का पीस, टेस्ट। पीस की बात करें तो पीस भी बहुत अच्छे से सजा हुआ है, बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा है, एकदम जोरों की भूख लगी, लेकिन भूख लगने के बाद जो मटन खाने का मज़ा है वो एकदम उभर के मिल रहा है। चलिए, वैसे तो इस जगह के बारे में बहुत कोई जानता है, लेकिन फिर भी अगर आप भी कभी आना चाहते हैं यहाँ पे मटन यहाँ खाने के लिए, भूख लगी है, तो सचिवालय गेट नंबर 13 उनके बगल में आपको ये सिंह जी का होटल मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए।